गाजीपुर से आया हूँ सर, जो है डीएनए में चार लोग हैं। आंखें बंद करिए, ऊर्जा विपिन प्रहार, पांच बार बोलिए ओम नमः शिवाय, ओम शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आँख खोलिए, अपना अपना बंधन कीजिए पांच बार। ब्रेन डिसऑर्डर, ब्रेन डिसऑर्डर, अब आप लोग चलिए फिरिए, उठिए बैठिए, अपने आप को फिजिकली मेंटली सब चेक करिए। एकदम बच्चों जैसे घुटने बन गए, फर्स्ट क्लास, एकदम नए हैं जी, एकदम बढ़िया हो गए। आपके यहाँ खूब जबरदस्त वाली स्मृतियाँ आपके यहाँ भी थी, सब अच्छे हो गए। ओसीडी, गंदा गंदा फील होना, दिखना, भूल जाना चीज़ों को, आपकी किडनी, किसी की किडनी की ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है, जरा आंखें बंद के देखिए, देखें जरा किसको है, आपके डीएनए में किडनी की जो प्रॉब्लम है। आँख खोलिए, आपको, आप ही को जी, ये सब आपको यहाँ पे ये वाला कष्ट रहता रहा होगा, साइड पीछे बैक जी सर, हाँ अब नहीं है, ये हटाया गया है। आपके डीएनए गुर्जा पथ में यूटीआई की, यूरिन इन्फेक्शन की भी थी, हाँ ज़्यादा ज़्यादा, लिगामेंट्स लूज हो रहे थे बुढ़ापे वाले बिल्कुल जी, इससे तैयार ही थी, ठीक किए गए हैं। आँखों की प्रॉब्लम आप क्या है, भयंकर नर्वस सिस्टम अंदर का वीक हो रहा था, सूख रहा था जी, वो भी ठीक किया गया है। आप क्या है, एक स्मृति ऐसी थी जो पीछे चली आ रही, बहुत आँखों को भेंगा कर देती थी, आँखों को भेंगापन कर देने की स्मृति जी, जैसे आप तीनों लोग कौन, तीनों लोगों भेंगेपन की स्मृति है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है जी, और अंधापन की ओर बढ़ाते हैं धीरे 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 अंधे बन की उड़ जाते हैं। वो तीन चार साल से सर नजदीक का कम दिखता है, वही तो, अब वो स्मृति नष्ट हो गई है जी, है ना जी गुरु जी। और आपको हो रहा था कलर ब्लाइंड, लाल का कुछ दिखता था, हरा का कुछ दिखता था, समझ गए जी। अब आपका कलर ब्लाइंडनेस ठीक किया गया है, अभी देखो हम बताते हैं, जरा आगे बढ़ो थोड़ा आगे जाओ एक कदम, बस ये खड़े हो, इस बच्चे को देखो अंदर शर्ट कैसी पहने हैं, टी शर्ट रेड कलर का, रेड कलर है जी, ठीक बढ़िया, और ऊपर क्या पहने हैं, किस कलर का, नीला कलर का, बहुत बढ़िया जाएगा जी, ठीक है, बैठ के भी संकल्प कर लीजिएगा, छूट जाएगा। बड़े बड़े बच्चों को देखना था गुरु जी, जो नहीं आया है, आया तो परसों चला गया यहाँ से। ये सारे कष्ट आप ही चार लोगों के हैं जी, जो हमने बताए जी गुरु जी, लेपन करा दीजिए बस, बढ़िया। कितना दिन गुरु जी, सिक्स मंथ्स। आपके यहाँ ब्रेन की सबसे बड़ी समस्या रही है हमको, ब्रेन डिसऑर्डर, हाँ कर लें बहुत अच्छा रहेगा जी गुरु, भविष्य के लिए ठीक है जी गुरु जी, खुश रहिए, हाँ क्लॉटिंग हो,
आइए नेक्स्ट जी, बोलिए बोलिए बोलिए, बताइए बताइए। गुरुजी मेरे आँख की बचपन से ही दिक्कत है, ले इस आँख से बचपन से ही दिक्कत है। कह तो रहे हैं कम थी, इधर ज़्यादा हो गई शादी के बाद। ऐसा है कि आज आप पहली बार तो पूरा होश में आई हैं, नहीं तो आधी बेहोशी में आप रहती थी जी। अब आप अच्छे हैं, लेपन करिएगा। अच्छा जी, बड़े लड़की की रोशनी आ जाएगी उनको दाई, जैसे मेरे बच्चे को भी बड़े वाली की दाहिनी आँख से कम दिखता है गुरुजी। आज मैंने बताया तो आपके यहाँ आँखों की बहुत पुरानी प्रॉब्लम थी, भेंगेपन की, कम देखने, ग्लूकोमा जैसी स्थिति बनना जी, है ना? हाँ, वो ग्लूकोमा वाली जी। लड़के की रोशनी आ जाएगी ना? हमने क्या कहा, अभी सुना नहीं आपने? से ग्लूकोमा जैसी स्थिति, मतलब ग्लूकोमा माने असाध्य रोग। अब उसको लेपन अगर करा लेंगी साल खां ठीक से, हाँ, तो अच्छा रहेगा, तो ठीक हो जाएगा। लेपन की आवश्यकता पड़ेगी ब्रेन से। ये आपके मायके की स्मृति है, ये वाली भेंगेपन वाली जो स्मृति है इनकी इधर की है। हाँ जी, समझ गए। हाँ, मेरे भाई लोग को भी है। हाँ, आपके भाइयों को भी है, तो आपके यहाँ थी समस्या, ठीक है। गुरुजी, बड़े वाले लड़के का जाप के लिए गुरुजी परेशान रहे। अब प्रयास करें, अब सब अच्छा है, गंदगी सब हट गई। गुरुजी कभी प्राइवेट जाप के लिए सोचते हैं, कभी सरकारी के लिए सोचते हैं, बहुत टेंशन। अब उसको छोड़ दीजिए, वो यहाँ पर है नहीं, इसलिए ज़्यादा बात ना करें, वही उचित है। उसको बोलिए लेपन करें, ठीक है, एकदम अच्छे है आप सब, आप लोग अच्छे हो, भी अच्छा हुआ। आइए नेक्स्ट। गुरुजी, एक शक्तिपीठ है चंडिका धाम का, जो है वहाँ पूजा कर सकते हैं गुरुजी? क्या है शक्तिपीठ चंडी धाम? कहाँ है? माँ चंडी जी का जो मऊ डिस्ट्रिक्ट के बगल जो है, हमारे यहाँ ही गाजीपुर में है। शक्तिपीठ है जी? शक्तिपीठ है जी मऊ में, बहादुरगंज में जो। किसकी शक्तिपीठ है? चंडी माँ का। माँ काम होता है गुरुजी, कुछ भी होता है तो पहले वहीं से शुरू होता है घर में। आप उस स्थान को देखिए, आँख बंद कर है जी, फोटो है दीजिए, देखें कौन सी शक्तिपीठ है वहाँ तुम्हारे यहाँ। चंडिका क्या बता रहे? चंडी माँ का, माँ चंडी। शिव का और है नहीं यहाँ पे, कहाँ पे देवी माया पे दिख रही है? दूसरे फोटो में है, दूसरा बगल वाला जो फोटो उसमें है भीतर, वो तो बाहर से ऊपर कर लिया हूँ। अच्छा, ये अंदर कर लिया। अच्छा, शिव का और ही नहीं दिख रहा है, कैसा शक्तिपीठ है शिव का और ही नहीं है, ये कहाँ जा रही है? तो ये उसमें तो शामिल नहीं है 52 शक्तिपीठों में, उनमें तो शामिल नहीं, तो बना रखा किसी ने अपना ऐसे ही? नहीं गुरुजी, बाहर दरवाजे के बाहर से लिया हूँ और आगे जो है लाख। अरे यार, हम क्या कह रहे हैं, तुम क्या कह रहे हो, तुम फोटो के चक्कर पड़े हो, जो लिखा टंगा उससे चक्कर पड़े हो। हम कह रहे हैं वहाँ शक्तिपीठ है नहीं है, ये डालो जरा देखो नेट पर कौन शक्तिपीठ है भाई। माँ चंडी यहाँ तो कोई औरा नहीं दिख रहा है हमें जी, कोई भी औरा नहीं है शिव का, और माँ का तो यहाँ कुछ दिख ही नहीं रहा है। माँ का है गुरुजी, माँ चंडी का। तुम माने रहो माँ चंडी और दुनिया भर का रण चंडी, वहाँ हमें तो कुछ नहीं दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है तो जाओ, हमें नहीं दिख रहा है, चल करो। प्रणाम गुरुजी। माँ जहाँ होगी वहाँ शिव का औरा जरूर होगा, ध्यान रखिए, जहाँ शिव का औरा नहीं है वहाँ माँ नहीं है, रहेगी नहीं। शिव का भी मंदिर है गुरुजी वहाँ पे, शिव जी का भी मंदिर है। है ही नहीं शिव का औरा वहाँ पे, समझ गए? माँ चंडिका का जो मंदिर है, जो सिद्ध पीठ है, जो शक्ति पीठ,
वो मुंगेर में है, बिहार में। यहाँ कहाँ से बन गई शक्ति पीठ वाले? मोम बनना दी, कोई बना आधे मंदिर बन गया, पीठ बन गई, ऐसे पीठ बन जाती है। वो बहुत दिनों से है गुरुजी। अरे भाई बनी होगी बहुत दिन से, वो आप जानिए, हमने जो हमें नहीं दिख रहा। पूजा करना है कि नहीं गुरुजी ये बता? आप जाने, हमसे मतलब नहीं, हम नहीं जाने, मुझे नहीं दिख रहा, मैंने बता दिया। पूजा करे ना करे आपके ऊपर, मुझे नहीं दिख रहा।